Hello everyone, let's start with question number 12. It says, sketch larynx and explain its function in your own words. So, आपको सबसे पहले तो sketch करना है larynx का structure. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक larynx का structure already draw किया हुआ है. तो आप start कैसे कर सकते हो इसको? सबसे पहले तो आप outer covering बना लो. सो ये इसकी कुछ आउटर कवरिंग हो गई और उसके बाद हमारे पास बनानी है एक ब्लैक लाइन जो कि आप ये देख सकते हो जो कनेक्टेड है लैरिंग से. उसके बाद आप नीचे वाली ड्रॉ कर सकते हो लाइन, देन अगेन अनदर लाइन यू कैन सी विच इज अबव इट. सो दिस इज द सेकेंड लाइन एंड उसके बीच में वी हैव लैरिंग्स. So this is the easiest way I can found and you can easily draw this as well. So this is how you can draw a larynx structure. आप इसको भी देख के better बना सकते हो क्योंकि मेरे पास अभी सही से pencil और कुछ ऐसा सामान नहीं है जिससे कि I can redraw this. But इसको देख के you can clearly redraw larynx. बहुत easily बना हुआ है. सबसे पहले कोशिश किया करो हर figure का आउटर स्ट्रक्चर बना लो और फिर उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं जो भी आपको शो करना है वो दिखा दो. सो और दूसरी चीज इसमें क्या दिया आपको, दैट यू हैव टू राइट द फंक्शन. तो फंक्शन क्या होता है लैरिंग्स का? एक तो लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स और दूसरा फंक्शन क्या है, इट इज टू प्रोड्यूस साउंड क्योंकि वाइब्रेशंस कॉज करता है और साउंड प्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12.